कांग्रेस की भी बात थोड़ी कर लेते हैं, जिसके धुरंधरों ने बयान दिए हैं, उनकी बयानबाजियों ने तूल भी खूब पकड़ा है, लेकिन उनके बयानों में दर्द भी झलका है, दर्द जो लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस पार्टी को मिला था और एक से एक बड़े दिग्गजों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसका खासा नुकसान कांग्रेस को चुनाव में हुआ भी, लेकिन इस चोट का दर्द अभी भी नजर आ रहा है। देख लीजिए रिपोर्ट में। आज तीसरे सांपों से सचेत रहो। एमपी लोकसभा चुनाव 2024 में भारी फेरबदल देखने को मिला। कांग्रेस के कई हाथ बीजेपी की पंखुड़ी जा बन बैठे, जिसका नुकसान भी पार्टी को चुनाव में खासा हुआ। बीजेपी ने प्रदेश में क्लीन स्वीप किया और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। बीजेपी ने कांग्रेस के कई धुरंधरों को अपने खेमे में शामिल कर लिया। पूर्व मंत्री, कई विधायक और कई पूर्व विधायक समेत करीब करीब 9000 से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एमपी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इस घटना को अमूमन 3 महीने हो चुके हैं और इसके बाद कांग्रेस ने भी नई राह चुन ली है और नए सिरे से पार्टी का गठन करने की ठानी, लेकिन शायद आज भी कांग्रेस का ये दर्द कम नहीं हुआ है। पार्टी को जो चोट उसके अपनों ने दी है, उसके जख्म कहीं ना कहीं भरे नहीं है और इस बात का अंदाजा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस के आला कमान जीतू पटवारी के इन बयानों से लगाया जा सकता है। उसको जरूर दूध पिलाइए, लेकिन कांग्रेस के आस्तीन के सांपों से सचेत रहिए। उनको दूध मत पिलाना जो कांग्रेस को धोखा देकर आस्तीन का सांप बने हुए थे, उसको दूध मत पिलाना। अरे बीजेपी को आप पेट भर भर के वोट देते हो, व्यापक होता है, बच्चे पे आप ही क्या असर आता है। किसान भाइयों, आपने बीजेपी को वोट दिया, अगर एमएसपी का कानून लागू नहीं हुआ तो फिर दोष किसका। अगर देश में महंगाई है और 25 साल से बीजेपी का राज है और फिर भी अगर बीजेपी जीती तो महंगाई जो आप भोग रहे हो, दोष किसका है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के आस्तीन के सांपों को खंगालने में लगे हुए हैं। वहीं जीतू पटवारी ने भी मंत्री रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उन पर भी भरोसा ना करने की बात कही है। ऐसे में बीजेपी ने भी कांग्रेस के इस दर्द पर प्रहार किया है। देखिए, पूरी कांग्रेस तो खाली करा चुके हैं दिग्विजय सिंह, अब बचे खुचे अब उसमें भी आस्तीन का सांप ढूंढ रहे हैं। अब आज ही लक्ष्मण सिंह ने बयान दिया है कि बांग्लादेश जैसी भारत की स्थिति नहीं है, यहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी है, युवा शिक्षित है। पहले भी कई बार कांग्रेस को आईना दिखाते हैं, थोड़े बहुत तो कांग्रेस ही बचे हैं, लाखों छोड़ चुके हैं। अब दिग्विजय सिंह जी उसमें भी आस्तीन का सांप ढूंढ रहे हैं और मंच पे जीतू पटवारी से सहित तमाम नेता बैठे, अब किसको आस्तीन का सांप बोल रहे हैं, तो अब कांग्रेस के नेता ही उनसे पूछे। प्रदेश में भले ही चुनावी माहौल ना हो, लेकिन चुनावी समर में हुए फेरबदल का दर्द कांग्रेस भूली हुई नजर नहीं आ रही है और ये बयानबाजी दिग्गी राजा ने तब की जब वे सिंधिया के गढ़ में थे। वहीं जीतू पटवारी ने खुले में रामनिवास रावत पर कटाक्ष किया है, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 में मिले दर्द को भुला नहीं पाई है। वो अलग बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हमेशा बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। शुक्रवार को भी ग्वालियर में उन्होंने ऐसा ही बयान दे दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एमपी में अब भले ही चुनावी माहौल ना हो, लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है। गाहे बगाहे अपने विपक्षियों पर राजनेता निशाना साधने से नहीं चुक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।